हेलो गाइज, मैं हूँ एसएल धाकड़। हमारे यूट्यूब चैनल धाकड़ नॉलेज पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइज, एनएम प्रशिक्षण राजस्थान से रिलेटेड लेटेस्ट सूचना व एनएम की लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गाइज, पहले भी बता चुका हूँ कि 27 जनवरी 2021 को एनएम प्रशिक्षण हेतु काउंसलिंग होने जा रही है। प्रत्येक जिले से 5 गुना कैंडिडेट्स को कॉल किया जा रहा है। इसके बारे में सूचना डेली न्यूज़पेपर्स में अपडेट हो रही है। इससे पहले 23 डिस्ट्रिक्ट की सूचना मैं दे चुका हूं कि कितने कट ऑफ जाने वाली है, और आज सीकर सहित कुछ अन्य डिस्ट्रिक्ट की सूचना हमारे पास आई है, आपको देने जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। गाइज, ये है सीकर जिले का लेटर। इसमें साफ साफ लिखा है कि 22 दिसंबर 2020 के अनुसरण में जिला सीकर में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण 2020-21 के लिए अभ्यर्थियों की प्रथम काउंसलिंग दिनांक 27 जनवरी 2021 को प्रातः सुबह 9 बजे से 4 बजे तक स्वास्थ्य भवन झुंझुनू बाईपास रोड कार्यालय CMHO अधिकारी सीकर में की जाएगी। इसका एड्रेस झुंझुनू बाईपास रोड है। इस काउंसलिंग में निम्न वर्गानुसार योग्यता रखने वाले सभी आवेदनकर्ताओं को रजिस्टर डाक के बुलावा पत्र जारी कर किया जा चुका है। अभ्यर्थी अंतिम कट ऑफ प्रतिशत में आती हैं तथा बुलावा पत्र नहीं मिलता है तो इसे बुलावा पत्र मानकर काउंसलिंग में उपस्थित हो सकती है। इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास कॉल लेटर नहीं आता है तो भी आप काउंसलिंग हेतु जा सकते हो, अगर आपका कट ऑफ मार्क से ऊपर परसेंटेज है तो। गाइस, जब बात कर लेते हैं सीकर में कितनी कट ऑफ जाने वाली है। यूआर कैटेगरी की बात करें तो 85.800 कट ऑफ है, जो कि राजस्थान की सबसे ज़्यादा कट ऑफ है। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 84.40 कट ऑफ है, जो कि राजस्थान की सबसे टॉप कट ऑफ है। एमबीसी कैटेगरी की बात करें तो 82.6 कट ऑफ है। एससी कैटेगरी की बात करें तो 81 कट ऑफ है। एसटी कैटेगरी की बात करें तो 76.40 कट ऑफ है। दिव्यांग की बात करें तो 45.6 कट ऑफ है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 75.00 कट ऑफ है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है तो 54 कट ऑफ है। आशा सहयोगिनी है तो 66.4 कट ऑफ है। विधवा व तलाकशुदा है तो 62.500 कट ऑफ है। साथ ही इसमें लिखा हुआ कि काउंसलिंग के लिए किसी भी प्रकार का भत्ता देय नहीं होगा, यह चयन का आदेश नहीं है, सीटें रिक्त होने पर ही काउंसलिंग की जाएगी। श्रेणी आरक्षण के अनुसार ही उपलब्ध सीटों के 5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। पॉइंट नंबर 3 में देख पा रहे हैं कि आशा सहयोगिनी है तो आशा प्रशिक्षण मॉडल 6 एवं 7 के चतुर्थ चरण तक प्रशिक्षित को ही आरक्षण का लाभ देय है। उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी को कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करना होगा, यानी मास्क पहन के जाना है। काउंसलिंग है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, इसके बारे में मैं पहले बता चुका हूँ। और बता दूं कि आपको डॉक्यूमेंट के रूप में 10वीं की मार्कशीट विद सर्टिफिकेट, 12वीं की मार्कशीट विद सर्टिफिकेट, मूल निवास प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, दिव्यांग है तो हैंडीकैप्ड प्रमाण पत्र, तलाकशुदा विधवा है तो तलाकशुदा विधवा प्रमाण पत्र, साथ ही अगर आप आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है तो 5 साल का अनुभव प्रमाण पत्र, आशा सहयोगिनी है तो प्रशिक्षण मॉडल 6 एवं 7 का सर्टिफिकेट जरूरी है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी, एमबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो सर्टिफिकेट 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। ये थे डॉक्यूमेंट्स की बात। डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल के साथ साथ फोटोकॉपी भी होनी जरूरी है, फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड साथ में लेके जाएं। गाइस, ये थी सीकर जिले की बात। अब तक टोटल सीकर सहित 24 डिस्ट्रिक्ट की इन्फॉर्मेशन बता चुका हूँ। इसके अलावा दूसरे जिलों की कोई भी कट ऑफ के बारे में सूचना आएगी तो वीडियो आप तक पहुँचाया जाएगा। इससे पहले 23 डिस्ट्रिक्ट की कट ऑफ के बारे में बता चुका हूँ, इसको देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में जा सकते हो या आई बटन में क्लिक करके देख सकते हो। और भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वारी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। गाइज, मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि ऐसे ही जानकारी प्रद वीडियो बनाता रहूं, आप तक भेजता रहूं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।